अब क्या करूं? नहीं, इसको यहां तो नहीं रख सकती। अरे ये क्या कर दिया? वो पढ़ाई कर रही थी तो ध्यान नहीं था तो बोल। पढ़ाई पे तवज्जो दोगी और किसी चीज पे नहीं? अगर इसी तरह रहा ना तो नुकसान होता रहेगा। जी जी बड़ी अम्मी, जिंदगी में और भी काम होते हैं पढ़ाई के अलावा। हाँ, तो तुमसे एक बात कहने आई थी कि आज से रात का खाना तुम बनाओगी, की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन बड़ी अम्मी मुझे। लेकिन क्या, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है। हमें तो शादी के अगले दिन से बाबरची खाने की सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी। बढ़िया में अब्बा ने जो कुछ भी किया ना, उसका गुस्सा आप मुझ पे क्यों निकाल रही हैं? और उन्होंने जो कहा जो किया उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था, ना ही मेरा कोई कसूर था, तो उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? ये रात के खाने का फैसला दादी का है, और जो कुछ तुम्हारे अब्बा ने कहा उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। और इतनी बड़ी बात भी नहीं है, सिर्फ एक वक्त का खाना तो है। बड़ी अम्मी आप समझ नहीं रही, मेरे पास सिर्फ रात का वक्त होता है जिसमें मैं सुकून से पढ़ सकती हूँ। हाँ तो वक्त बदल लो ना। फाखिर को देखो, वो ऑफिस भी जाता है, पढ़ाई भी करता है। उसी तरह तुम पढ़ाई भी कर सकती हो और किचन भी संभाल सकती हो, कोई बड़ी बात नहीं। और हाँ, अगर कोई ज्यादा मसला है तो अपनी दादी से खुद बात कर लेना।